एनएस न्यूज। मामला यूपी के श्रावस्ती जिले के फलचलवा गांव का है, जहां पर लगभग 35 वर्षीय विवाहिता की लाश उसी के घर में खून से लथपथ अवस्था में मिली। मृतका के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की, तो इस दौरान मौके से खून से सना हुआ हथौड़ा व एक खुरपी भी बरामद हुई है। वहीं शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी मृतका के पति को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। श्रावस्ती से दुर्गेश शुक्ला की एबीपीएस न्यूज के लिए रिपोर्ट। ये हरचलवा गांव है सिसिया थाने में, इसमें राजकुमार दुबे हैं, राम कुमार दुबे। इनकी 14 साल पहले शादी हुई थी और इनकी पत्नी जय अम्बे थी, 5 बच्चे हैं इनको। इनको शक था कि इनकी पत्नी के नाजायज ताल्लुकात इनके छोटे भाई से हैं, उनका भाई लखनऊ में रहता है। इसी बात के लेके पहले उन्होंने हथौड़ी से उसके सर पे वार किया, फिर खुरपा वहाँ रखा होगा उससे उसका गला काट दिया। अब ये घर की बात है, सडन प्रोवोकेशन का कह लो या संकट के आधार पे कह लो, लेकिन ये दुर्घटना हुई है। हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है, उसका पति ही मुलजिम है, गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत थाना पोस्टमार्टम कार्रवाई हो रही है और आगे तहकीकात करेंगे कि इनके देवर का क्या संबंध था, क्या नहीं था, घटना का कारण क्या था, मोटिव क्या था, उस आधार पर कार्रवाई।